भूमि मातृ भूमि ओ मेरी पितृ भूमि ओ भूमि तेरी जय जयकारा हिमाला तेरी जय जयकारा कर मकूट तेरो हूँ झलको कर मकूट तेरो हूँ झलको झलकी काले गंगे की धारा माला। दोस्तों ये एक ऐसा टाइम है कि जब हम लोग हर कोई पूरे देश पूरी दुनिया के लिए चिंतित है, हम सब चिंतित हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चिंतित तो हैं साथ में इस कोविड का बहुत अच्छे से मुकाबला कर रहे हैं। वो लोग अगर आज की बात करें वो कभी भी वो किसी भगवान से कम नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सुविधाओं से ज़्यादा अपना जीवन सेवा में लगा दिया है। और कुछ ऐसे ही प्रोफेशंस, कुछ ऐसे ही प्रोफेशनल्स, कुछ ऐसे लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं जो इस लड़ाई में सबसे आगे हैं। ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हम इनका साथ दें तो शायद कोविड को जीता जा सकता है। ऐसे ही जो आज के हमारे पहले मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हैं डॉक्टर मेहुल भट्ट जी। मेहुल सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आपने इतना समय दिया, आपके बहुत सारे यूट्यूब चैनल हमने देखे, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो हमने देखे, और लगता है कि जब हमारे डॉक्टर इतना ज्ञान रखते हैं, इतना आप लोग इतना डेडिकेटेड होके काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ, ये कोविड इतना क्या डिफरेंट हुआ कि हम इतनी हाई तराई मच गई है? बात सही है, नई बीमारी है, हम डॉक्टर्स के लिए भी नई बीमारी थी। आज इस बात को एक साल डेढ़ साल के जितना हो गया है तो हम भी सीख रहे हैं, लेकिन हम पिछले साल से ज़्यादा सक्षम हैं। हमारा नॉलेज इस बीमारी के बारे में पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा अभी है। बात सही है कि वायरस अभी भी हमारे आजू बाजू है और लोग परेशान हो रहे हैं, लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये बीमारी इतनी भी ज़्यादा जानलेवा नहीं है। जो हेडलाइंस हम जो पढ़ रहे हैं उतना प्रपोर्शन नहीं है। जो सामने मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर 90% लोग होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, वो भी बेसिक ट्रीटमेंट देने के बाद, कोई बड़ी हाई फाई एंटीवायरल या एंटीबायोटिक दे बगैर ठीक हो रहे। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग मर रहे हैं जिनकी हम हेडलाइंस देखते हैं या जिनके बारे में न्यूज में पढ़ते हैं, लेकिन उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है जो मैं हमेशा बताते रहता हूँ पेशेंट्स को। तो आगे जाके मैं आपको भी जरा डिटेल में बता पाऊंगा, आई होप। बिल्कुल सर। सर मैं सबसे पहले, मुझे जो प्रश्न मन में आता है वो ये आता है कि जो ये कोविड है और जो दिखता है, अब जैसे आपने बताया कि न्यूज़ ही पढ़ पाता हूँ, इतना नॉलेज मुझे नहीं है बिल्कुल भी इस बात का, लेकिन जो न्यूज़ पढ़ता हूँ और जो जो दिखता है वो दो चीज़ों में आज दिख रहा है। ये जो जिस हम नए कोविड की बात कर रहे हैं, एक तो बच्चों में जा रहा है ये बहुत ज़्यादा, और दूसरा अगर आप देखें डेथ रेशियो तो शायद मेल में थोड़ा सा ज़्यादा है इन कंपेयर टू फीमेल। तो एक तो ये बच्चों में क्यों जा रहा है, बच्चों को क्यों हो रहा है, और दूसरा मेल फीमेल में किस तरह से थोड़ा सा डिफरेंट है ये वाइब्रेंट, अगर इस बारे में आप बता पाए तो। यस, अच्छी बात ये है कि बच्चों में जो आ रहा है कोविड, ज्यादातर आपने पूरा एक साल अपने इंडिया में देखा, आज तक कभी कोई हेडलाइन सुनी है कि बच्चों को कोविड ने परेशान किया हो या चाइल्ड डेथ हुई हो बिकॉज ऑफ कोविड? वो बहुत रेयर है। तो अगर बच्चों में भी अगर जो कोविड आ रहा है उनका बॉडी हमारे जैसा एडल्ट्स के जैसा ही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो वायरस है कोविड का वो बच्चों को इन्फेक्ट करता है, तो भी जो बीमारी है 95% बच्चों में 2-3 दिन के बुखार के बाद सिंपल पैरासिटामोल से ठीक हो रही है। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर बच्चे हमारे आजू बाजू है, अगर एडल्ट्स को वायरस लग सकता है तो बच्चों को भी लगेगा, लेकिन वो बेसिक घर की पैरासिटामोल जैसी सिंपल दवाई से भी ठीक हो रहे हैं। तो बच्चों का कोई हमें एज अ डॉक्टर्स बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। और यस, आपने जो रेशियो मेल फीमेल का बताया, यस, लेकिन सिर्फ कोविड ही नहीं, कई सारी बीमारी है, हार्ट डिजीज से लेके बाकी सब अस्थमा वगैरह, बहुत सारी मेडिकल
सेंटर्स में जो बीमारी है ज्यादातर मेल में ज्यादा पाई जाती है एज कम्पेयर टू फीमेल, और उसका रीजन लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, ये सब भी काफी मायने रखता है। तो हो सकता है शायद इसमें भी ये काम कर रहा हो और मेल को ये बीमारी ज्यादा परेशान कर रही है एज कम्पेयर टू फीमेल। ये बड़ा क्लियर हो जाता है जब आप लोग कहते हैं, तो विश्वास भी उस बात पर आता है। जो आज पैनिक सबसे ज्यादा दिख रहा है हम लोगों में और पूरे देश में जो पैनिक दिख रहा है, वो लगता है कि हमारे देश में ऑक्सीजन होता ही नहीं है। आज ये लग रहा है, आज एक न्यूज पढ़ते हैं कि रिलायंस देश के 11% ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है। तो इतनी जो परेशानी है ऑक्सीजन को लेके, आप लोग इसको जानते हैं? ये परेशानी ज्यादा इसलिए कि हमारे पास है नहीं, या हम लोगों का पैनिक इस परेशानी को और बढ़ा दे रहा है? नहीं, ये बड़ी परेशानी है। यस, स्पेशली मुंबई और दिल्ली जैसे शहर में करंटली ये बहुत बड़ा इश्यू है, और ये इश्यू देख के एज अ डॉक्टर हमें भी काफी दुख होता है कि सीरियस पेशेंट्स को जो ऑक्सीजन ही बचा पाता है और उसी की किल्लत सभी जगह पे हो रही है। तो यस, ऑफकोर्स ये सच बात है, लेकिन दूसरा भी एक चीज ये है कि अगर आप ये सीरियस पेशेंट की हिस्ट्री देखो, मुझे चांस मिला है, मैं कई बार आईसीयू में गया हूँ और देखने के लिए कि ये आईसीयू में पेशेंट पहुंचा कैसे और कहाँ से। आप मानोगे नहीं कि आंकड़े क्या बताते हैं। अगर आईसीयू में 10 पेशेंट है तो वो 10 में से 8 पेशेंट ज्यादातर केस में डायरेक्ट अपने घर से आईसीयू में आए हैं। इसका मतलब ये है कि पेशेंट इतना सीरियस था तब तक वो अपने घर पे था, और तब तक उसने शायद ट्रीटमेंट समय पे शुरू नहीं कर पाया था या की थी। कई कारण हो सकते हैं इसके, सो आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, बट द प्रॉब्लम ये है कि ये बीमारी को 10 में से 2-3 जन को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अगर आप कोई डॉक्टर के संपर्क में हो तो सही समय हॉस्पिटलाइजेशन का, सही समय स्टीरॉयड की गोली का, या सही समय ऑक्सीजन शुरू करने का, ये जानना बहुत जरूरी है। कई बार वो कमजोरी कमजोरी समझ के पेशेंट इधर उधर की दवाई लेते रहते हैं और 5-6 दिन निकल जाते हैं और फिर फाइनली समझ में आता है कि अरे ऑक्सीजन तो 80 तक पहुंच गया। और इस केस में पैनिक हो जाता है और हॉस्पिटल बेड नहीं होता है तो पेशेंट सीरियस हो जाता है। तो यस, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि इतने सारे आईसीयू एक साथ हो सके और अरेंज कर पाए। तो फिलहाल तो जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं उससे देख के लग रहा है कि हमारी हेल्थ व्यवस्था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इनफ नहीं है, स्पेशली आईसीयू बेड्स हमारे पास इनफ नहीं है। आई होप कि अगले कुछ दिनों में ऑक्सीजन की जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाए दिल्ली मुंबई जैसे शहर में, लेकिन मैसेज ये रहेगा कि अगर आपको इस कंडीशन में नहीं पहुंचना है तो आपको आपके बुखार पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जैसे ही आपको बुखार आता है कोविड का टेस्ट कराना है, और कोविड पॉजिटिव आते ही अगले 14 दिन तक आपका ऑक्सीजन, आपका टेम्परेचर, आपका पल्स रेट अपने डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन या फोन पे डिस्कस करके उन्हें रोज का रोज अपडेट देना जरूरी है। तो आपके डॉक्टर सही समय पे आपको एडवाइस दे पाएंगे कि ओके, आपका शायद ये प्रॉब्लम है और हम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू समय सर कर सके। अगर ऐसा करेंगे तो आईसीयू, ऑक्सीजन वगैरह की ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जो सर, ये जो नेग्लिजेंस है, यही नेग्लिजेंस है, और इस नेग्लिजेंस की वजह से ये हो रहा है कि हम पहले 3 दिन 4 दिन जो आपने बताया, 6 दिन, हम लोग पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें बुखार है भी कि नहीं है। तो ये सिम्टम्स क्या है? पहले दिन में आज मैं ठीक ठाक दिख रहा हूँ अपने आप को, तो मैं कैसे समझू या कोई व्यक्ति कैसे समझे कि अब लगता है कि कोविड का सिम्टम्स आ रहा है? तो ये पहले यस दिन, दूसरे तीसरे दिन किस दिन समझू मैं एज अ पेशेंट? यस, बहुत अच्छा सवाल है, और सबसे कॉमन मिस्टेक ये बुखार को जानने में ही हो रही है ये कोविड में। मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, ज्यादातर पेशेंट जब मेरे पास आता है या फोन करता है उसका कंप्लेंट बुखार का नहीं है, और मैं बहुत शुरुआत के दिनों में कंफ्यूज होता था क्योंकि पेशेंट का कंप्लेंट आता था, सर मुझे कमजोरी है। अभी गए साल आपको याद होगा कि वो एक इंफ्रारेड गन थर्मोमीटर जैसी आई थी, सब लोग यूज कर रहे थे नो टच कर, लेकिन वो एक चाइनीज खिलौना है। मैं समझ गया कुछ ही महीनों में कि इसमें कुछ टेम्परेचर समझ में नहीं आ रहा है सही वाला। तो मैंने पिछले साल क्या किया कि थर्मोमीटर, पर्सनल थर्मोमीटर पेशेंट को मंगाया कि भाई आप अपना थर्मोमीटर लेकर आइए, और धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि
ये कोविड का बुखार ज्यादातर केस में माइल्ड फीवर आता है, 99 फ़ारेनहाइट से लेके 100, जो बाहर बॉडी में ठंडा लगता है। पेशेंट को आप हाथ लगाओगे तो लगेगा नहीं इसको तो बुखार नहीं है, लेकिन ये जो कमजोरी है वो उसका माइल्ड फीवर की वजह से थी। तो मैं सभी को यही मैसेज देता हूं कि अगर आपको जिस दिन सर दर्द या बदन दर्द या थकावट या कमजोरी जैसा लगता है इन दिनों, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि एक थर्मोमीटर जीभ के नीचे 1 मिनट तक रखना है। जैसे ही 98.5 मतलब 98.5 के ऊपर आपका टेम्परेचर आता है, दैट मीन्स आपको माइल्ड फीवर है और ये कोविड का हो सकता है। तो ये कमजोरी को आप इग्नोर मत कीजिए। ऐसे ही पैरासिटामोल ले ली या केमिस्ट के पास से दवाई ले ली और 2-3 दिन खींच लिए, ये आज की तारीख में गलती हम नहीं कर सकते थे। स्पेशली जब कोविड का डर इतना बड़ा है, तो हमको अर्ली डायग्नोसिस चाहिए और इन्फॉर्मेशन सिर्फ ये मशीन, जो सादा मशीन थर्मोमीटर, वो आपको दे सकता है, लेकिन वो बगल में नहीं रखना है। आपका पर्सनल थर्मोमीटर जीभ के नीचे रखना है 1 मिनट तक, जिस दिन आपको कमजोरी लगती है, थकावट लगती है, सर दर्द या बदन दर्द लगता है। तो बॉटम लाइन, कोविड का बुखार बहुत सारे केस में माइल्ड आता है जो बाहर समझ में नहीं आता है, तो आप ये एक आदत डाल दीजिए तो कई बार आपका फीवर तुरंत पकड़ में आ जाएगा। सर, अगर मुझे किसी को भी को फीवर समझ में आ गया कि फीवर है मुझे, तो कोई ऐसा अब आजकल दिख रहा है मार्केट में, जो मार्केट में नहीं लोग बात करते हैं कि भाई पहले पैरासिटामोल ले लो, थोड़ा बढ़ गया तो ये वाला ले लेना, थोड़ा बढ़ गया तो ये वाला लेना, फिर बढ़ गया तो इंजेक्शन लेना, जो मार्केट में है ही नहीं कहीं पर। तो ये जो जो डोजेज हैं, आप लोग कैसे इसको निर्धारित करते हैं, और हम लोग जो कॉमन मैन है वो कैसे इसको ले, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ओके, अगर पहली बात तो बॉटम लाइन के अगर आपके पास सुविधा है तो बुखार आया और दूसरे दिन ही कोविड टेस्ट कराने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि डायग्नोसिस के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद पैरासिटामोल सेफ है, लेकिन कोई भी एलोपैथी मेडिसिन लेने से पहले मैं एडवाइस करूंगा कि आप अपने फैमिली डॉक्टर को कॉन्टेक्ट में रहिए। जरूरी नहीं है आज के जमाने में फिजिकल क्लिनिक में जाना, आप फोन पे टेली कंसल्टेशन करके भी आपके डॉक्टर की सलाह लेके बेसिक ट्रीटमेंट जैसे पैरासिटामोल है या विटामिन सी है या जिंक की गोली है या विटामिन डी की गोली है, ये आप एज अ बैकअप एज अ बेसलाइन ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हो। एक बार कोविड का रिपोर्ट आ जाता है पॉजिटिव, तो हम कुछ और मेडिसिन भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। ज्यादातर केसेस में ये बेसिक ट्रीटमेंट से ही आपका माइल्ड कोविड, ज्यादातर यंग लोगों में जो 50 से कम उम्र के लोग हैं, उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, इवन एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनफैक्ट मैंने आजकल देखा है कि ये एक फैशन हो गया है व्हाट्सएप और इसके जमाने में सोशल मीडिया के अच्छी वाली एंटीबायोटिक जैसे एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन और एंटी पैरासाइट गोली जैसे आइवरमेक्टिन, ये सब गोली जो हम कुछ और बीमारी के लिए इतने सालों से यूज कर रहे थे, आजकल लोग व्हाट्सएप में पढ़ के बुखार के पहले दिन ही एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम अपने आप ले रहे हैं, जबकि WHO और यूरोप और अमेरिका के देश में ये एंटीबायोटिक कोविड में यूज ही नहीं हो रही है। जी हमारा देश में दुर्भाग्य ये है कि प्रिस्क्रिप्शन की ज्यादातर जगह पे जरूरत नहीं पड़ती है। एंटीबायोटिक जैसी एंटीबायोटिक स्टीरॉयड भी आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन केमिस्ट के पास से मिल जाएगी, और कई बार हम डिजास्टर हमारे सामने होता हुआ देखते हैं जब पेशेंट ऑलरेडी अपने आप एंटीबायोटिक ले जा रहा है, या तो किसी को पूछे बगैर किसी का सुन के सोशल मीडिया में पढ़ के स्टीरॉयड ले रहा है, स्टीरॉयड की गोली ले रहा है। तो ये मैं सभी को बताना चाहूंगा कि नहीं, सेल्फ मेडिकेशन बहुत डेंजरस हो सकता है। सोशल मीडिया पे जो मैसेजेस आपको आ रहे हैं उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जो आपके फैमिली डॉक्टर है उसको बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको जवाब देना है, और वो साइंस फॉलो कर रहे हैं। तो प्लीज एक ऑथेंटिक सोर्स को टच में रखिए, फैमिली डॉक्टर या कोई डॉक्टर के साथ टच में रहिए और फिर अपनी मेडिकेशन स्टार्ट कीजिए। सर, ये बड़ी अच्छी आपने बात बताई कि मतलब हम लोग अपने आप से डॉक्टर बन जाते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं है हम लोग। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, कोई कोई लिख रहे हैं इसमें कि सर मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, कोई लिख रहे हैं कि मैं उस घर में रह रहा था जहां पर कोरोना पेशेंट है, लेकिन मैं अगले दिन ही आइसोलेशन में चला गया था, कुछ कोई और अलग अलग तरह के क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो अल्टीमेटली इनका बेस यही है कि मैं किस दिन समझूं, लक्षण क्या है, जो बेसिक लक्षण है कोरोना के, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है क्या, किस दिन समझे कि अब कोरोना हो गया है, आपको ट्रीटमेंट सही से करना चाहिए।
कोरोना एक तरीके का वायरल फीवर ही है, जो हम जुकाम वाला बुखार हमें आता है, जो वायरल फीवर फ्लू जो बोलते हैं, तो पहले 2-3 दिन तक कोरोना और वायरल फीवर में कोई डिफरेंस नहीं है। कोई डॉक्टर भी आपको बाहर से चेक करके नहीं बता पाएगा कि ये वायरल फीवर जो फ्लू वाला फीवर है कि ये कोरोना का फीवर है, तो ये इम्पॉसिबल है। तो हम आज की तारीख में एज ए डॉक्टर हर एक बुखार के पेशेंट को कोविड समझ के ही ट्रीट कर रहे हैं हमें, बिल्कुल क्योंकि जो वायरल फीवर है वो 2-3 दिन में चला जाता है बेसिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट से, लेकिन कोविड का बुखार जो है माइल्ड फीवर, कई बार हाई फीवर भी आता है जो 3 दिन से भी ज्यादा तक आ सकता है। मैंने कई पेशेंट देखे जिनको 10-12 दिन तक माइल्ड फीवर कंटिन्यू, तो ये एक डिफरेंस है कि अगर दूसरे या तीसरे दिन के सपोर्टिव ट्रीटमेंट के बाद भी आपका फीवर नहीं जा रहा है तो चांसेस है कि ये कोविड वाला बुखार हो सकता है। इसीलिए जब भी आपको ऑप्शन मिलता है बुखार के बाद टेस्ट कराने का, तो आप ये दो टेस्ट है जैसे रैपिड एंटीजन टेस्ट या तो RT-PCR टेस्ट, ये दो में से कोई भी एक टेस्ट जो जल्दी आपको मिल सके वो आप करवा लीजिए। सर, एक क्वेश्चन बड़ा मन में आता है कि कोविड में दो जो मेन आज जो बातें चल रही हैं, सब सरकारें कह रही हैं, लोग कह रहे हैं कि मास्क जरूर पहनिए क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो आपके ऑर्गन्स में चले जाएंगे, सेंस में चले जाएंगे, और कुछ लोग हैं कि जो मानते हैं कि छूने से भी हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, दोनों से हो रहा है, लेकिन छूने से कोविड होना और कफ से या मास्क नहीं पहनने से कोविड होना, प्रोबेबिलिटी क्या है और बचाव क्या है? यस, बहुत कॉमन सवाल है। पिछले साल अगर देखें तो हम डॉक्टर्स भी खुद डरे हुए थे, और जिस पे नॉलेज ज्यादा नहीं होती है तो हर एक चीज हमको फूक फूक के करनी पड़ रही थी। आपने आपको याद होगा पिछले साल डॉक्टर्स जो थे वो PPE सूट पहन के अपनी क्लिनिक में बैठे बैठते थे और पेशेंट को देखते थे। कई डॉक्टर्स तो पेशेंट को दूर से ही सवाल जवाब करके दवाई लिख के देते थे, लेकिन आज एक साल के बाद ये कंडीशन नहीं है। तो हमें धीरे धीरे साइंस समझ में आया, धीरे धीरे इस वायरस का जो बिहेवियर है इसके बारे में हमें समझ में आया। तो एक चीज बॉटम लाइन अच्छी बात यह है कि जो पिछले साल वाला डर था कि सरफेस को, डोर के हैंडल को छूने से या लिफ्ट के बटन को छूने से कोविड हो जाएगा, वो डर अभी ज्यादातर नहीं रहा है। तो वो उतना पैनिक या इतना पैरानोइया इस वायरस के पीछे मत कीजिए। ऑफ कोर्स अपने जो कॉमन सर्फेसिस है उसे कंटिन्यूसली रेगुलरली क्लीन करना, डिसइंफेक्ट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो डायरेक्ट कोरोना होने वाला जो चांसेस है कॉमन सर्फेसिस को टच करके, वो अभी ज्यादा बड़ा डर नहीं है। हाँ, तो और कैसे होता है, सिर्फ अगर कोई कोरोना मरीज के साथ आप बिना मास्क के बात करोगे 2 मीटर के अंदर तो ही उसके ड्रॉपलेट्स आपके बॉडी में जाएंगे, लेकिन तो अगर दोनों ने मास्क पहना है तो वो होने के भी चांसेस कम है। यस, हो सके तो सर्जिकल मास्क जो बोलते हैं ग्रीन कलर या ब्लू कलर का सर्जिकल 3 लेयर मास्क आता है वो पहने, या तो फिर N95 मास्क पहने। तो ये दोनों मास्क प्रूवन है कि जो आपको कोरोना होने से बचा सकते हैं। शर्त ये है कि उसको बार बार आपको नीचे नहीं करना है, बार बार एडजस्ट नहीं करना है। एक बार घर के बाहर आप निकले अपना मास्क पहन के तो वो वहीं रहेगा जब तक आप वापस अपने घर पे नहीं आ रहे हो। तो इसी से आज हम डॉक्टर रोज के 20-25 पेशेंट बुखार वाले क्लिनिक में देख रहे हैं, छोटी जगह में देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, यही N95 मास्क और फेस शील्ड यही हमें बचा रहा है, बाकी और कोई बड़ी सिस्टम की जरूरत नहीं है। PPE किट और ये सब चीज की भी अभी जरूरत नहीं है। कई लोगों का प्रश्न था और ये आपने जवाब दे ही दिया है कि अब तरह तरह के मास्क हैं, लेकिन जो आपने कहा कि N95 है और फेस शील्ड, अगर ये दो चीजें कर लें तो हम अपने आप को काफी हद तक बचा सकते हैं। मैं जानता हूं कि आपको बहुत सारे आपके पेशेंट इंतजार कर रहे हैं और आपको जाना भी है, पर मैं एक दो प्रश्न और जरूर आपसे पूछूंगा कि इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये लगता है कि अब विश्वास किसी का किसी पर नहीं है, ना ना एक एज एन इंडिविजुअल मेरा किसी सरकार पर विश्वास है, ना किसी पर है, लेकिन आप लोगों पर आज भी विश्वास है। ये जो विश्वास है, जो डॉक्टर का डॉक्टर पर जो विश्वास है, अब भगवान आप लोग हैं हमारे लिए और आप पूरे स्वास्थ्यकर्मी जितने भी लोग हैं, इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आपके पास कितनी बड़ी चुनौती है, और मुझे लगता है कि आपको घर के लिए टाइम ही नहीं दे पाते होंगे सबके लिए। तो नहीं, हम इस प्रोफेशन में आए इसीलिए है कि हम कुछ कर पाए, और ये जो चुनौती हमारे देश के लिए आई है तो इसमें तो आपने देखा रहेगा कि सब हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्स से लेके बाकी फ्रंटलाइन वर्कर्स, सभी ने अपना बेस्ट
दिया है और फैमिली की चिंता ना करते हुए सब आगे आए हैं। तो ये तो एग्जाम्पल पिछले साल से हम देख रहे हैं। एज अ डॉक्टर मैं सभी को मैसेज यही दूंगा कि ये विश्वास बनाए रखें। ऑफकोर्स हेल्थ सेक्टर अपने देश में इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, तो हम शायद प्रिपेयर्ड नहीं है, लेकिन दिन ब दिन इसमें प्रोग्रेस हो रहा है। मैं खुद देख रहा हूँ कि चीज सुधर रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे बदल रहा है। तो ये चीज इतना मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे इस वायरस से लड़ने की जो क्षमता है हमारे पास, जो 2021 में थी, उससे इस साल थोड़ी ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा है। और अब तो वैक्सीन भी आ गया है, तो जो हमारा प्रोटेक्शन है वो डबल हो गया है। और अगले साल शायद ये एक वायरस थोड़ा माइल्ड वायरस जैसा बन के रह जाएगा, जहां पे इतना बड़ा हाहाकार और इतना एडमिशन और हॉस्पिटलाइजेशन की शायद जरूरत ना पड़े। सर एक प्रश्न और मेरा होगा कि अब कह रहे हैं कि अब हमें ये लाइफस्टाइल हो गई, मास्क पहनना लाइफस्टाइल हो गया, हो सकता है कि वैक्सीन हर साल लगाना एक लाइफस्टाइल हो जाएगा, तो क्या ऐसा होगा या फिर कुछ परिवर्तन आप देखते हैं भविष्य में? नहीं, फिलहाल थोड़े मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई मुझे एज अ डॉक्टर बता दे कि कोरोना चला गया, जी तो क्या मैं मास्क पहनना बंद कर दूंगा? मैं अगर अपने पिछले 20 साल की प्रैक्टिस का हिस्ट्री देखूँ, तो मैंने शुरुआत के 19 साल मास्क क्लिनिक में नहीं पहना था, जब मैं मेरे पेशेंट को रेगुलरली देखता था। लेकिन आज हम जैसे डॉक्टर्स की भी आंख खुल गई है कि वायरस रियल है, और वायरस आज ये है तो कल दूसरा भी हो सकता है। और वो क्या हमको बचाने वाला है, वो है मास्क। कई कंट्रीज है जैसे जापान वगैरह, वहां पे वो लोग का एक कल्चर बन गया है कि मास्क पहन के वो लोग रहते हैं बहुत सालों से। तो अपने इधर भी, अपने देश में मास्क एक अगले कुछ सालों तक मैं सोच रहा हूँ कि वो एक रूटीन बन जाएगा आपके लिए, और बहुत जरूरी है। बिकॉज ये जो अनजान वायरस है, अभी तक उसका डेंजर हमारे सामने से गया नहीं है। अगले 2-3 साल में ये अलग अलग रूप बदल के हमको परेशान कर सकता है। ऑफ कोर्स हम प्रिपेयर्ड रहेंगे, ऑफ कोर्स हमने इतने शॉर्ट टर्म में वैक्सीन बना दिया है, तो आगे जाके हम हमारी बॉडी भी सक्षम रहेगी उससे लड़ने के लिए। लेकिन ये जो लाइफस्टाइल में चेंज आया है, सोशल डिस्टेंसिंग है, जैसे मास्क पहनना है, ये कुछ महीने रहने वाला है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, मतलब आपने जो जानकारियां दी हैं मुझे लगता है अगर हम लोग उस पर अमल करें, और लोग कई लोग लिख भी रहे हैं, उमा शेखर मैम लिख रहे हैं कि आप जैसे डॉक्टर जब सलाह देते हैं और अगर लोग लोग आप पर भरोसा करने लगे बावजूद उन सब बातों के जो हम व्हाट्सएप और फेसबुक पर पढ़ रहे हैं आजकल, सोशल मीडिया में जो पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये पैनिक भी थोड़ा सा कम होगा और सही तरह से इलाज भी हम लोगों का हो पाएगा। तो जाते जाते अगर आप लोगों को कुछ कहना चाहें, और फिर मैं सुनीता मैम से भी एक बार आप चाहें तो एक बार मिलें। सुनीता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज। उनको इनको पूरा देश जानता है इनकी एक्टिंग के लिए, लेकिन गुल्लक गुल्लक में बिट्टू की अम्मी आज हमारे बीच इसलिए नहीं है, वो एक नोबल कॉज के लिए है और उस बारे में भी बात करेंगे। ये खुद कोविड पेशेंट थी और फिर इन्होंने पूरे हल्द्वानी में आज एक मुहिम चलाई हुई है लोगों को घर घर तक खाना पहुंचाने की, जो कोविड पेशेंट है। तो मैं जरूर आपसे तो जरूर चाहूंगा डॉक्टर साहब कि आप हम लोगों को जाते जाते क्या सीख और क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि हमें इस कोविड के अगेंस्ट फाइट कैसे करना है। एक ही चीज है जो मुझे हमेशा थोड़ा परेशान करती है, वो है आधा नॉलेज। और स्पेशली जब वो नॉन मेडिकल पर्सन के पास से आता है, कई बार एज ए डॉक्टर हम डायलेमा में हो जाते हैं। आपने कुछ दिनों पहले सुना रहेगा, ये एक इंजेक्शन था रेमडेसिविर, जिसकी किल्लत हो गई थी पूरे देश में। इसके बारे में मैंने काफी पढ़ा और समझ में आया। जब मेरे डॉक्टर कलीग के साथ जब मैं बात करता हूँ, तो समझ में आता है कि एग्जैक्टली इश्यू क्या है। और आज अगर आपकी ऑडियंस को मैं इश्यू बता पाऊँ, तो ये एक मेरा सक्सेस रहेगा इस लाइव टेलीकास्ट में। तो आप समझिए कि ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन था, वो WHO ने बोला है सिर्फ पहले 10 दिन में दे सकते हो तो ही उसका रिजल्ट मिलता है। हो क्या रहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड ICU पेशेंट की तरफ से आ रही है। और जब वो पेशेंट ICU में कब पहुंचता है, कोविड के 14-15 दिन के बाद या 12 दिन के बाद पहुंचता है। अब डॉक्टर को मैं पूछ रहा हूँ, ICU के डॉक्टर को, कि सर आपने क्यों रेमडेसिविर लिखा है इस पेशेंट को? इसको तो स्टीरॉयड और ऑक्सीजन से ही शायद हम ठीक करेंगे। रेमडेसिविर अभी काम का नहीं है, वायरस तो चला गया पहले 10 दिन में, एंटीवायरस। डॉक्टर की डायलेमा ये है कि हॉस्पिटल वाले और डॉक्टर सभी बोल रहे हैं कि सर साइंस
अपने देश में कोई नहीं पूछ रहा है। अगर मैंने पेशेंट को, मरीज को रेमडेसिविर नहीं दिया तो मरीज के रिलेटिव्स आके हमको बोल रहे हैं कि अरे सर हमारे मरीज को रेमडेसिविर क्यों नहीं दिया, प्लाज्मा क्यों नहीं दिया। अगर भगवान ना करे कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है तो हम पे उल्टा इल्जाम आ जाता है कि आपने हमारे मरीज को रेमडेसिविर नहीं दिया, आपने हमारे मरीज को। तो अभी ये पेशेंट में नॉलेज कहाँ से आई, व्हाट्सएप में से आई या कहीं सोशल मीडिया से आई। और ये सभी को मैं बोलना चाहूंगा कि कौन सी दवाई कब देनी है उसका एक समय फिक्स्ड है। जरूरी नहीं है कि वो आपको असर करे 12-13 दिन के बाद। तो अगर एक बार हॉस्पिटल में डॉक्टर आपको बताते हैं कि नहीं इनको रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है या इनको प्लाज्मा की जरूरत नहीं है, तो आपको मान लेना है कि यस नहीं है। प्रॉब्लम जब प्रेशर रिलेटिव से आता है तो डॉक्टर्स भी लिख देते हैं कि चलो ठीक है। आज तक मैंने नहीं सुना है कि हॉस्पिटल वाले ने आपको पर्ची पकड़ा दी कि जाओ ये इंजेक्शन कहीं पे से भी लेकर आए। ये सिस्टम ही गलत है। जी राइट राइट सर, डॉक्टर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये बहुत गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ये मार्च एंड तक तो कहीं इसका नाम ही नहीं था। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लग रहा है कि जैसे सब अचानक से, कैसे पिछले साल किसी ने इसका नाम नहीं लिया, इस साल अभी मार्च तक, मुझे मार्च में कोविड हुआ है तब तक मैंने इसका नाम नहीं सुना था। मुझे भी व्हाट्सएप में पहले मेरी दोस्तों ने और ग्रुप में बोला कि एक अंकल है उन्हें बहुत अर्जेंटली यही चाहिए, और उसके बाद में देख रही हूँ कि इसकी डिमांड ही नहीं रुक रही। मेरे ख्याल से जो कंपनीज हैं वो तो चौंक गई होंगी कि अचानक कहाँ से इतना बनाए। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा हुआ डॉक्टर सर आपने ये बात बोली है। ये वीडियो की ये क्लिप प्लीज बार बार चलाओ, ये दुनिया में किसी तरह हिंदुस्तान में लोगों को समझाना है कि प्लीज आप इस इंजेक्शन के पीछे मत भागे, ये बहुत जरूरी है। सर मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू जरूर कहूंगा, और मैं चाहता था कि आपसे और बात करें क्योंकि सुनीता मैम हैं वो जरूर ये बात करें, लेकिन मैं जानता हाँ हूँ कि आप मेरे हमारे हमारे से इम्पोर्टेंट पेशेंट हैं, इसलिए जरूर दोबारा आपसे बात करेंगे। और छोटे छोटे आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि उत्तराखंड के पूरे देश के लोग आपसे जानना चाहते हैं, तो कभी कभी आप छोटे छोटे वीडियो बना के जो हम लोग अपने पेज पर, अपने यूट्यूब चैनल पर लगाएंगे ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ऐसी मेरी प्रार्थना आपसे। थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू।